हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है डबल पेज। तो आज हम कुछ डबल पेज सीखने की कोशिश करेंगे, और जो जब हम पेज सीखेंगे तो हम एक बार जरूर आप लोग सभी ट्राई करें कि ये जो पेज है वो काम करते हैं या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके कमेंट के अनुसार हमने डबल पेज पे वीडियो बना लिया। और जो ये डबल पेज है वो ऊपर से है, हम ऊपर से कैसे डबल पेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ पूरी पूरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मान लीजिए आपकी कोई सी भी पतंग आप अपनी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जो भी आप देखेंगे, जो पिंक कलर की जो भी डोर है वो नीचे से है, और जो ग्रीन कलर की डोर होती है वो ऊपर से होती है, यानी जो हमारे आगे होता है लगभग मान लीजिए 25 मीटर तक। तो हम उसे हमेशा पेज जो की है वो नीचे से देंगे, और हमारी जो पतंग है अगर हम नीचे से भी यानी पीछे की तरफ से हैं तो हमारी पतंग जो की है वो ऊपर से होगी। तो ये होती है एक फॉर्म बिल्कुल बढ़िया सी, जिस हिसाब से हमारा लड़ाना है। बट सब अपने अपने अनुसार से लड़ाते हैं, बट ये एक जो कि कंडीशन होती है ये एकदम राइट कंडीशन होती है, जिसे हम चिराव भी कहते हैं। तो ये होता है चिराव। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट करके बोला था, इस हिसाब से मैंने चिराव का भी एक मेजर बना के समझा दिया है आपको। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। और जो आप ये ब्लू कलर की पतंग देख रहे हैं वो ऊपर से आई है, और जो आप ये नेवी ब्लू कलर की पतंग देख रहे हैं वो नीचे से आई है। ठीक है, तो फिर अब हम ऊपर का पेज कुछ सीखेंगे नॉर्मली। तो जैसा कि आप देख लेंगे, तब इस कंडीशन में क्या करना है, जब हम अपनी पतंग को मतलब लड़ाने के लिए अंदर की तरफ हल्का बहुत भरेंगे, तो अगर हमारा अपोनेंट समझदार होता है तो पतंग को पहले नीचे करेगा हल्की सी, जिससे डोर है वो फटाफट टच ना हो जाए। तब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि सामने वाले जो हमारे अपोनेंट्स होती है हमें उसे ये कंडीशन दिखानी है कि हम अपनी पतंग को जो कि वो पट करते हुए ला रहे हैं, या तो वो उस कंडीशन में पट देखते हुए हमारी पतंग को जो कि है वो अपनी पतंग को जो कि है वो चक्कर देने लग जाएगा, या फिर वो पतंग को बिल्कुल ऐसे बाहर खींचते हुए ले जाएगा। तब हमें क्या करना है, या तो हमें उसे रुक देना है, रुक वाला ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं रुक। ठीक है, तो पर इस कंडीशन में रुक नहीं देना है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है सामने वाला खींचते हुए ले जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा आराम से चक्कर भी दे सकता है, तब हमें क्या करना है, नॉर्मल बेसिकली पेज जो की है हमें बिल्कुल तिरछा यानी 45 डिग्री पर बिल्कुल पट कर देना है। बट हमें सामने वाले को दिखाना यही है कि हम अपनी पतंग जो की है वो पट कर रहे हैं, और पट करते करते हमें अपना मुड्ढा जो की है वो चेंज कर देना है। मुड्ढा चेंज करना ही होता है पतंग का डबल पेज। ठीक है, यानी आप सामने वालों को दूसरा एंगल दिखा रहे हैं और आप तीसरे एंगल से पतंग को खींच जाते हैं, तो उसको ही डबल पेज कहते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम सेकंड पेज पे देख लेते हैं। जैसे कि अब आपको समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत कि डबल पेज किसे कहते हैं। डबल पेज उसी कहते हैं कि आप अपना एक पेज दिखा रहे हैं सिंगल, और आप उसके सामने दूसरा भी पेज खेल जाते हैं, तो उसे कहते हैं डबल पेज। तो ये देख लीजिए, इस कंडीशन क्या करना है, अब आपको बिल्कुल यही बिल्कुल मुद्दा चेंज कर देना एंड वक्त पे, और एंड वक्त पे चेंज करते हुए अपनी पतंग को रोक देते हुए बचाते हुए जाना है। इस कंडीशन में अगर हमारे अपोनेंट टीम की जो कि पतंग है वो टच हो जाती है तो फिर बिल्कुल उसकी पतंग कट जाती है हमारे झोल से। बट अगर वो डोर टच है और हमारे डोर पे जो चक्कर देने लग जाता है, तो हमारी पतंग भी कटने के बहुत ज़्यादा चांस है। अब मान लीजिए हमारे नीचे वाला जो कि है वो डबल पेच कर लेता है, तो अब ये तीसरा पेच है। तो तीसरे पेच में अगर हमारे अपोनेंट डबल पेच कर लेता है, तो अब हमें क्या करना है, यानी बेसिकली हम 45 डिग्री का एंगल मार रहे हैं, और वो हमें जो कि है वो अपोनेंट बिल्कुल नीचे का पेज जो कि ले रहा है वो अब बिल्कुल 45 डिग्री करेगा। तो इस कंडीशन में ये होगा कि उसका पेज जो कि है वो ऊपर से आ जाता है। तब अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया कि ये होता क्या है, वो नीचे वाला डबल पेज कर लेता है, डबल पेज कर लेता है तो उसका पतंग जो कि है वो नीचे की जगह ऊपर से लट जाती है, और ऊपर की पेज जो की होती है वो नीचे से लट जाती है। डबल पेज में यही खासियत होती है। तब आपको इस कंडीशन में अपना जो फेस है पतंग का वो ऐसे रखना है, और बिल्कुल ऐसे कैसे उतार देना है। तो इस कंडीशन में ये होता है, जो कि आप डोर का झोल देख रहे थे वो ये फॉर्म में काम करती है, और बिल्कुल आप कैसे वो ले जाएं, जो उसका झोल है वो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम है द काइट बाय आदिश व्यास। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ अपने सारे ग्रुप में शेयर जरूर करें, और जितने भी काइट लवर्स हैं आप उनको एक बार जरूर वीडियो दिखाएं, और जितने भी आप जैसे सीजन आ रहा है आप एक बार ये जरूर ट्राई करें। यानी डबल पेज बेसिकली उसी को कहते हैं, आप एक पेज दिखा रहे हैं और पेज दिखाते दिखाते अपने पेज का एंगल चेंज कर देते हैं। चैनल